ऑर्डर 15, वाद की प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि फर्स्ट हियरिंग क्या होती है। हमने ये उस दिन समझ लिया था फर्स्ट हियरिंग क्या होती है, फिर भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं। एक केस आप लोगों ने याद किया था, माम चंद्रपाल वर्सेस श्रीमती सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, कि फर्स्ट हियरिंग क्या होती है। फर्स्ट हियरिंग का मतलब ये है कि वो समय जब न्यायालय ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया वो फर्स्ट हियरिंग होती है, उससे पहले फर्स्ट हियरिंग नहीं होती। मतलब कि जब आपने अपना प्लान पेश किया इट इज नॉट फर्स्ट हियरिंग, जब आपने अपना WS पेश किया इट इज नॉट फर्स्ट हियरिंग, दोनों की बात जब न्यायालय सुनने के बाद डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के बाद जब इश्यूज फ्रेम करने की जो डेट है वो फर्स्ट हियरिंग है, तब इश्यूज फ्रेम करने की जो डेट है वो फर्स्ट हियरिंग है। तभी मैंने आपको जब इश्यूज फ्रेम की बात बताई थी तो बताया था कि फर्स्ट हियरिंग क्या होती है और इश्यूज के मामले में क्यों लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट हियरिंग पर सेटल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट हियरिंग क्या होती है ये माम चंद्रपाल वर्सेस शांति देवी में बताया कि इसका मतलब है कि जुडिशियल माइंड का अप्लाई या न्यायालय ने तब कोई निर्देश दिया या शुरुआत की। तो इस बार RJS में ये पूरा कंप्लीट प्रश्न पूछा था, बड़ा क्वेश्चन आया था कि बाद की सिविल मामले कब फर्स्ट हियरिंग में सेटल किए जाते हैं, यह आया हुआ क्वेश्चन है, देखा था। तो पूरा ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो नहीं पूछा गया है। मतलब इसके जो चार रूल हैं वो चारों रूल्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे ऑर्डर 15 रूल 1 कहता है कि पार्टी इज नॉट एट इश्यू, ये कहना चाहता है कि जब पक्षकारों में कोई विवाद ही नहीं है, जब पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है तो क्या होगा, न्यायालय पहली सुनवाई पर ही वाद का निस्तारण कर देगा। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि जब विवाद ही नहीं है तो दावा क्यों लाए थे फिर। इसका मतलब सिर्फ ये है कि विवाद था लेकिन दूसरी पार्टी आई और उसने कहा कि सर मैं तो इस दावे को स्वीकार करता हूं। जब पार्टी दावे को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई तो इश्यू बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इश्यू नहीं है तो इसका मतलब निर्णय उस दिन सुना देगा, निर्णय तो लिखेगा जो दावा आया, लेकिन क्या करेगा कि जब पार्टी स्वयं स्वीकार करती है कि मुझे ये दावे जो इसने दावा किया है वो सारा का सारा दावा स्वीकार है, ठीक है। तो रूल वन आपके समझ में आया। दूसरी बात कहती है कि ऑर्डर 15 का रूल 2 कहता है कि वन और सेवरल डिफेंडेंट्स नॉट एट इश्यू, ऐसी बात हो सकती है जैसे मैंने एक दावा किया और मैं 5 लोगों को प्रतिवादी बनाता हूं और उन 5 लोगों में प्रतिवादी जिन्हें बनाता हूं उनसे कहता हूं कि सब देखो ऐसा है कि मैंने इन 5 लोगों को 10,000 रुपए दिए थे, तो उसमें से 2 आगे कहते हैं कि हां साहब 10,000 रुपए हमने लिए थे और इन्होंने भी लिए थे जो 3 जो मना कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो मना कर रहे हैं तो उनके संबंध में इश्यूज बना और जो मना नहीं कर रहे हैं जो कह रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं उनके संबंध में इश्यू नहीं बना, तो जिनके संबंध में इश्यू नहीं बना उनको फर्स्ट हियरिंग में ऐसे डिफेंडेंट के विरुद्ध दावे का निस्तारण किया जा सकता है और जिनके मना कर रहे हैं उनके बीच में इश्यू बनेगा। इश्यू का मतलब ये है वेन एवर वन पार्टी इज डिनाइंग एंड वन पार्टी इज असर्टेनिंग समथिंग एंड देयर इज ए कंफ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज,
कि सब हम में आपस में विवाद है, तो वही तो इश्यू है। तो ये कहना चाहता है ऑर्डर 15 का रूल 2 कि जो पार्टीज स्वीकार करती हैं, डिफेंडेंट स्वीकार करते हैं उनमें कोई इश्यू नहीं है, तो उनके संबंध में निर्णय सुनाया जा सकता है, और जो स्वीकार नहीं करते उनके संबंध में इश्यू बनेगा। तो नॉट एट इश्यू, तो जो नॉट एट इश्यू है उनके संबंध में। फिर ऑर्डर 15 का रूल, पार्टीज एट इश्यू, पार्टीज एट इश्यू। देखो इसका ये मतलब है कि जब पक्षकार ये चाहते हैं कि नहीं इश्यू तो है, लेकिन जो इश्यू बना उसके संबंध में और कोई एविडेंस नहीं देना चाहते, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहते, आज ही जो कुछ भी कह रहे हैं उसे स्वीकार करते हैं। जहां स्वीकार करने वाली बात थी तो वहां तो सुनाया जा सकता है, लेकिन इश्यू है यहां, लेकिन उसके संबंध में कोई और एविडेंस नहीं देना है, दूसरी पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, तो ऐसे मामले पर भी न्यायालय निर्णय सुना सकेगा, क्योंकि इश्यू है लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस द एविडेंसेस एंड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, तो कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट। समझ में आई बात? ऑन फर्स्ट हियरिंग। और फोर्थ रूल है फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंसेस। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि यहां तथ्य विधि का प्रश्न है लेकिन दावा तो ले आए, एविडेंस कोई नहीं, क्योंकि मामला एविडेंस से चलता है, एविडेंस नहीं है तो मामले का क्या होगा? आप दावा ले आए ठीक है, जैसी भी स्थिति है जो भी आपने कहा उसके आधार पर जैसा मामला तय किया जा सकता है उस न्यायालय उस मामले को तय कर लेगा। तो ऐसे मामले फर्स्ट हियरिंग में ही डिसाइड किए जा सकते हैं, उनके लिए कोई एडिशनल डेट देने की जरूरत नहीं। तो ऐसे मामले फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं। तो बहुत छोटा सा ऑर्डर है, यही सारी बातें उसमें लिखनी थी ये। हाँ